Hello, everyone. Uh, good evening. Today is the 1st of December 2023. I'm Shanandu Das. I'm a forex market and commodity market practitioner. I have also participate in equity market trading. I'm, I associate, I'm associated with uh, this ELAN markets. There I'm very honored to be part of this uh, prestigious trading mentorship program. where I cover the currency commodity part of the program. This is a beautiful multi-asset uh, trading mentorship program. So uh, when I, uh, this, these programs are largely in English. So when I, uh, sub, jab main ye course cover karta hon, to English mein, तो बहुत बार students पूछते हैं कि sir थोड़ा हिंदी में cover कीजिए हिंदी जो लोग को आ, समझ में ज्यादा आता है इंग्लिश उतना नहीं वो थोड़ा पीछे रह जाने के लिए फील करते तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये जो ये जो वीडियोस मैं बनाऊंगा वो थोड़ा हिंदी में होगा जिसमें मैं मार्केट एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ सो लार्जली बेसिकली सोच सकते हैं कि ये जो वीडियो बन रहा है ये बेसिकली फॉर माय कंज़म्पशन आल्सो क्योंकि रेट्रोस्पेक्ट में मैं देखना चाहता हूँ और सेकेंडली टू हेल्प द स्टूडेंट्स एंड उसमें आप सब लोग अगर दूसरा कोई देख रहे हैं बियॉन्ड मी एंड द स्टूडेंट्स एंड आपको अच्छा लग रहा है then that's good. I feel great. Happy तो चलिए ये मार्केट के एनालिसिस करेंगे बट थोड़ा डिफरेंटली नॉट uh, की नॉर्मल यूजल uh, मेरा जो uh, बड़ा हुआ जो मैं मार्केट में थोड़ा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था ग्लोबल मार्केट के साइड से आया हूँ उसके अंडरस्टैंडिंग से सो so, लार्जली uh, मैं जो सेटअप अपना सेटअप यूज करता हूँ मेरा खुद का तो मैं वो सेटअप के जरिए ही ट्रेड करता हूँ uh, तो मैं उसके जरिए मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि ये ये एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए है तो वो उनके पास ये सेटअप है तो वो देख के समझ सकते हैं बट मैं कंप्लीटली कंफर्टेबल हूँ कि ये सारे कैंडल स्टिक्स जो है उस स्टाइल से भी ट्रेडिंग करूँ बट मैं नहीं करता हूँ मैं लार्जली इसके बेसिस पर ही ट्रेड करता हूँ तो ये सेटअप कैसे आएगा जिनके पास ऑब्वियसली एक्सेस है तो पहले ये कैंडल हाइट करके देना होगा देन यू कम डाउन टू इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स के में अंदर आ जाइए इनवाइट ओनली उसके अंदर एसडी डी रेनबो वे वर्शन वन जैसे ही क्लिक करने को ये कंफर्म करेगा कौन सा इनपुट तो मुझे जो ये कई सारे सेटअप्स हैं आज का जो ये वीडियो है ये सेटअप को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं लार्जली मार्केट एनालिसिस के लिए यूज किया जा रहा है सो so, मैं इंडेक्स वाला सेटअप यूज करने वाला हूं सॉरी तो so, ये रहा अपना निफ्टी ब्रॉडली दिख ही रहा है कोई भी देख के आ, समझ सकते हैं क्या चल क्या रहा है निफ्टी में ंग मीडियम शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिख रहा है इसका मतलब नहीं की वीकली मंथली का बात कर रहा हूँ इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप बट मान लीजिए कि फैक्टर है ट्रेंड तो ट्रेंड इज फुल्ली बुलिश मोमेंटम ये रहा मोमेंटम का फैक्टर सो तीन ऑफ द थ्री मोमेंटम्स बुलिश प्राइस एक्शन इज बुलिश सो ओवरऑल द ट्रेड्स क्या बोल रहा uh, थोड़ा consolidation probability है बाय ब्रेकआउट एंड बाय सपोर्ट बाय ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी इज अबाउट एट्टी फाइव पॉइंट सेवन परसेंट थोड़ा कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी है बट दैट्स लो सो इफ यू आर लॉन्ग द लॉन्ग साइड आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड कंटिन्यू होल्ड करते रहना चाहिए ये रहा ब्यूटिफुल ब्रेकआउट हो रहा है प्रीवियस स्टॉक का सो so, डेफिनेटली uh, ये दिस इज बुलिश इसमें कोई डाउट ही नहीं है बैंक निफ्टी में आएंगे तो बैंक निफ्टी उतना बुलिश नहीं था आ, पिछले कई हफ्तों से बट दिस इज अफुल ब्रेक जो हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे सेटअप में ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ऑप्शन लाइन शॉर्ट लाइन टू बोला जाता है इसको सो so, इसका ब्रेक हो रहा है तो ये जो फ्लैट लाइंस दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है बच्चों का स्लिप रहता एरिया तो से जब ब्रेकआउट होता है तब ये ब्रेकआउट बहुत यूजुअली स्ट्रॉन्ग होता है सो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फोर्टी सिक्स थाउजेंड वन थर्टी जो है उसका टेस्ट होगा एंड वेरी लाइकली हम लोग ब्रेक भी देखेंगे मार्केट अः uh, काफी बुलिश दिख रहा है इस हिसाब से तो अब चले जाते हैं कि ये दो मेन जो अपना इंडेक्स है वो तो पॉजिटिव दिख रहा है और अपना आप चले जाते हैं कि सेक्टोरल इंडिसेस में सेक्टोरल इंडिसेस में ये है पीएसयू बैंक ये एस बैंक जो है ये पी बैंक का जो कैंडल ये देख रहे हैं आप लोग ये थोड़ा रेड थोड़ा ग्रीन मतलब अच्छा कैंडल नहीं है बियर का फाइट चल रहा है सो so, बियर का फाइट जब चल रहा है तो हम लोग घुसेंगे तो फंस जाएंगे और उसमें पिटाई भी बहुत होगी तो हम लोग वो पिटाई नहीं चाहते तो उसका एक ब्रेकआउट चाहते अच्छा खासा तो ये लेवल तो मार्क करना ही चाहिए फाइव फाइव टू वन जीरो सेक्टरल ब्रेकआउट लेवल माना जाएगा तो इसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो इस सेक्टर्स में ज्यादा करके जो अच्छे स्टॉक है वो तो ऑलरेडी निकल पड़ेंगे जब तक ये सेक्टर ऊपर जाएगा बट स्टिल ओवरऑल एक एक्सपोजर बढ़ाने के लिए या कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जाने के लिए वी कैन वेट फॉर द ब्रेकआउट ये काफी सारा इंपॉर्टेंट ये जो लेवल है लग रहा है कि अगर ब्रेकआउट का अटेम भी होगा तो यहाँ पे ये इन सेक्टर होल्ड कर सकता है नेक्स्ट जो आ रहा है अपना ऑटो सेक्टर निफ्टी ऑटो सेक्टर काफी बुलिश है लास्ट ब्रेकआउट था ये जो अपने सेटअप में ये रहा कॉल सो so, ये जो कॉल चल रहा है काफी आ, काफी दिनों से चल रहा है नाइन्थ ऑफ नवंबर पर्टिकुलरली जो टर्न हुआ इंडीसेज में फर्स्ट या सेकेंड ऑफ नवंबर से हुआ है और तब से ये देखिए सी एन एक्स ऑटो एकदम ऊपर फायर कर रहा है ब्यूटिफुली तो अभी भी ये सेक्टर में स्ट्रेंथ दिख रहा है तो अपने सेटअप में और एक इंडिकेटर को लाना पड़ेगा उसका नाम है एस डी आर एस आई एक्स बेहतर रीडिंग मोमेंटम के लिए और तो थोड़ा जो दिख रहा है ये देखिए कि ब्रॉडली मोमेंटम बुलिश है थोड़ा बियर पावर दिख रहा है मोमेंटम में तो ये टोटल बारह जो फैक्टर है यहाँ पे पांच फैक्टर और यहाँ पे सात बारह में से सात और तीन दस फैक्टर है बुलिश पूरा बुलिश है एक ही फैक्टर मोमेंटम का बियरिश है और बाकी जो एक फैक्टर यहां पे नहीं दिख रहा है वो है न्यूट्रल तो ब्रॉडली ये भी बुलिश मार्केट है नेक्स्ट आ जा रहे हैं सी एन एक्स एम पे एमएनसी में एक फ्रेश ब्रेक आ रहा है सो एमएनसी वाला जो इंडीज का स्टॉक्स है उसमें आप ढूंढ सकते हैं किसमें और तेजी का मोमेंटम आ रहा है तो डेफिनेटली ये सेक्टर को देखिए और भी ज्यादा स्ट्रांग सात और पांच ट्वेल्व ऑफ द फैक्टर एकदम बुलिश है बाई ट्रेड जीतने का प्रोबेबिलिटी जी, मेरे सेटअप में दिख रहा है नाइनटी थ्री परसेंट ऑलमोस्ट सो सेक्टर इज स्ट्रांग दिस एम एन सी सी एन एक्स सेक्टर इज वेरी स्ट्रांग हम लोग अब मीडिया में आ गए हैं मीडिया में देखिए मोमेंटम है ऊपर फायर कर रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बेस है ये है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन और ये रहा रेड वाला मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन जिसका रीडिंग यहाँ पे दिख रहा है सो ये ये सपोर्ट से ये मीडिया ऊपर ऊपर की तरफ बाई uh, हो रहा है फाइव और सेवन ट्वेल्व ऑफ द फैक्टर्स आर बुलिश एटी सिक्स परसेंट प्रोबेबिलिटी है ट्रेड को जीतने का सो डेफिनेटली मीडिया सेक्टर भी काफी स्ट्रोंग दिख रहा है ये मेरा पहला वीडियो है वैसे हम मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली अब से एक वीडियो करूं ताकि सब लोग समझ सके सो दिस इज़ दिसन एक्स पी पीएसी काफी दिनों से ये मेरे सेटअप में बुलिश फायर कर रहा है अबाउट सिक्स ऑफ नवम्बर से रन एक्सेलरेट कर रहा है फुल मोमेंटम पावर के साथ आगे बढ़ रहा है नाइनटी थ्री सो फुल्ली कंप्लीटली बुलिश सी एन एक्स आई टी सेक्टर यहाँ पे क्लियरली देखिए मोमेंटम क्या दिख रहा है बियर पावर थोड़ा घट गया है बाई ट्रेड बीन प्रोबेबिलिटी इज मच लोअर इन आई टी सेक्टर आई टी सेक्टर इज अ फुल ब्लोन एक्सपोजर टू आई टी में नॉट स्टिल बी ए ग्रेट आईडिया But the divergence, the momentum is cannot still fire up here. Ten factors are bullish, one bearish, and uh, one factor is neutral. The significant difference is noted. We can see in the win probability. So now we are private bank. From the momentum, it's uh, quite clear that we are in the up, up move the momentum factor bull power is almost 5 out of 5 uh, could be an internet issue or something it's not updating let me let me wait a bit but broadly from this uh, momentum level it's completely looking like yes it's it can go up and further upside is coming so that previous ones were quickly something's wrong okay this is a break and a very important resistance here, this area. So let's do a drawing. So this flat lines act as a resistance. So private banks are testing our resistance. If I uh, go to my uh, bit long term chart of mine, So let's make it plain, fountain of gold. And let me take you to this. I'm not saying that this is a good bet, but uh, after a very, very long time, in a monthly chart, a buy signal is coming up. In a weekly chart, a break is awaited. Let me show. Here the break is awaited. Av we are not here. So I placed the alert. So once the private bank starts firing, I'm not saying that this stock is good, but the momentum or uh, trend plus momentum can catch in, and you could see some significant quick up move in this stock because there is no much, not much flat line you have udikneira. दैट स काफी एरिया है इसका इसको ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी बट उसके लिए ये लेवल थोड़ा ब्रेक होना वेरी इम्पोर्टेंट अभी ये एक फेज में है कंजाम्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज़ गोइंग ऑन एकोमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का गेम चल रहा है इसमें बट इस कैन फायर ऑन लेटर तो चलिए वापस जाते फिर से इंडेक्स में प्राइवेट so, बैंक एक बार और फिर से और एक बार हम लोग क्विकली मूव कर लिए थे प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक में देखिए बाई जो यहाँ पे बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी लो है कैंडल फुल बुलिश नहीं है दिस इज थोड़ा वीकली कैंडल है बट हम लोग अब डेली में आ गए so, ये ब्रेकआउट हो रहा है अभी भी फुल काफी सारे रेजिस्टेंस है नॉट लाइक अदर सेक्टर्स तो राइड थोड़ा अभी भी, भी बम्पी रह सकता है इस सेक्टर में अब हम लोग जा रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर में एफएमसीजी सेक्टर अगर आप लोग नॉर्मल क्लासिकल चैट पैटर्न सीखे हैं देन डेफिनेटली दिस लुक्स लाइक ए गुड बॉटमिंग फॉर्मेशन ब्रॉडली अलोंग विथ अ ब्रॉड क्लियर बेस फॉर्मेशन अराउंड दिस एरिया

Sorry, this is gift nifty, तो हम लोग अब वापस आ गए फाइनेंशियल सर्विस सर्विसेज का सिचुएशन बेहतर हो सकता है बट बैंक में भी हम लोग देखे प्राइवेट बैंक में ये मोमेंटम आ चुका है सो so ये जो लेवल्स है इस ये तो डेफिनेटली टास्क टेस्ट करने वाले हैं दिस सेक्टर सो दिस वन इज बुलिश टू बट एक चीज का ध्यान रखना होगा जब हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी बाय ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी मच लोअर 57 परसेंट सो बैंक में हम लोग क्या देखे पीएसयू बैंक बाय विन प्रोबेबिलिटी अराउंड 57 प्राइवेट बैंक अराउंड 60 प्राइवेट बैंक इज फायरिंग है थोड़ा ज्यादा फायर कर रहा है ऊपर की तरफ और ये भी 57 परसेंट और सेल uh, की चांस बहुत कम है मैक्सिमम ये कंसोलिडेशन का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है तो साइडवाइज जा सकता है तो सेल का इमीडिएटली सिग्निफिकेंट चांस नहीं दिख रहा है सो निफ्टी एनर्जी वी आर नाउ इन द निफ्टी एनर्जी सेगमेंट

percent uh win probability 12 out of the 12 factors are bullish uh no major even momentum loss so far the uh banerai sector may no major risk is yet so only risk will be minor correction so far no major turnaround sign and this is broadly continuing since since the november the past last yo, federal reserve ka meeting the u.s ka central bank सिंस वो टाइम से ये फायर कर रहा है और आने वाले दिन में और एक और भी एक मीटिंग आ रहा है तो उसमें भी वो लोग अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात ना करे या घटाने की बात लेके आए तो उसमें और ये जो सेक्टर है गो अप तो चलिए ये देखिए मेटल सेक्टर मेटल सेक्टर कम किया है अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम के आसपास अबाउट फर्स्ट थर्ड नवम्बर अब इसमें ब्रेकआउट आ रहा है ऑल टाइम हाई का पॉसिबली या ऑल टाइम हाई का मोस्टली ब्रेकआउट आ रहा है इसमें बट एटलीस्ट लास्ट ये जो प्रीवियस टॉप था सेप्टेम्बर लेटमी चेक या ऑल टाइम हाई का ब्रेक जो आ रहा है इसमें सो इट कैन गो फर्दर फर्दर आप वीकली में भी एक ग्रीन कैंडल आ चुका है और डेली में तो है ही तो डेली में काफी ऊपर जा रहा है दिस सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग विथ एक्स परसेंट विन प्रोबेबिलिटी अब हम हम लोग आ रहे हैं कि जो फार्मा सेक्टर फार्मा सेक्टर काफी स्ट्रोंग दिख रहा है इस पर फैक्टर प्रोबेबिलिटी एक चीज मैं ध्यान रखूंगा कि ये जो मोमेंटम है ये जो मोमेंटम है मेरा एस डी आर एस आई एक्स उसमें अभी तक मेजर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है वायरस ये जो इंडिसेस है ऊपर जा चुका है सो so, मैं नहीं चाहूंगा इस पॉइंट पे कि जो इसमें मोमेंटम लॉस दिखे और मोमेंटम लॉस दिखते दिखते वो नीचे ऐसे लाल हो जाए तो वो रहेगा एक टाइम कि थोड़ा फार्मा सेक्टर से शायद पैसा हटा ले मे भी दूसरा अदर सेक्टर जो फायर करने वाले हैं तो उसमें इन्वेस्ट करें ये रहा ये रहा फिन निफ्टी फिन निफ्टी का देखिए मस्त ब्रेकआउट हो रहा है मोमेंटम के साथ ये जो ओरिजिनल कैंडल लाएंगे तो यहां पे है बट ये मैं हाइट करना पसंद करता हूं तो ये जो लेवल है ये टेस्ट करने जा रहा है ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स एट्टी टू और ऊपर है ट्वेंटी थाउजेंड फोर नाइनटी टू ये जो फ्लैट रीजियंस है ये बहुत बढ़िया काम करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सो तो ये रहा ग्लोबल so, मार्केट का एक बार निफ्टी को एक बार फिर से लाते हैं आ, निफ्टी के साथ साथ हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट जो है उसका भी ध्यान कर लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे तो इसका सेटिंग्स में जा रहे हैं सेटिंग्स में जाने के बाद इंडी सेलेक्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे दिख रहा है कि एस एन पी डाओ और उसके बाद वाला इंडेक्स सिलेक्ट करते हैं कि रासल टू थाउजेंड जो यूएस uh, का स्मॉल कैप मीडियम कैप इंडेक्स है टू थाउजेंड स्टॉक्स का का फिर फिर डालते हैं यहाँ पे चाइना चाइना का डाल रहे हैं फिर यहाँ पे आ रहा है कि एनडीएक्स जो यूएस का ने है यूएस का टेक इंडेक्स डैक्स है जर्मनी का Nikkei है जापान का इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि एक बार सेंसेक्स रहे एक बार सी एन एक्स फाइव हंड्रेड रहे जो अपना निफ्टी फाइव हंड्रेड वो बेहतर मान सकते हैं स्टॉक्स के लिए और अपना जो देखे थे एक ऑटो सेक्टर डाल रहे जो स्ट्रॉन्ग है अपना सेक्टर में देखे थे और अपना जो वीक सेक्टर है पीएसयू बैंक एक ये भी इसमें डालते हैं सो so, ओवरऑल एक पिक्चर लग जाएगा ये अपना जो स्ट्रांगेस्ट सेक्टर ऑटो है और जो अपना वीक सेक्टर से पीएसयू बैंक है तो कैसा है ब्रॉडली पिक्चर सो ग्लोबल पिक्चर में देखिए ये जो यूएस का इंडिसेस है इसका जो स्ट्रेंथ स्कोर है ग्रीन में है और ये राइजिंग सेम डाउ रसल टू सो यूएस का इंडिसेस स्ट्रांग ये कॉन्फर्मेशन आपका आ जाएगा नैसडेक मतलब टेक इंडेक्स थोड़ा न्यूट्रल है इसमें जो स्ट्रेंथ है वो और ऊपर नहीं जा रहा है तो टेक सेक्टर में शायद कोई करेक्शन आए ग्लोबल मार्केट में नोट करने वाला बात यह है कि ये जो चाइना और हांगकॉन्ग है चाइना और हांगकॉन्ग ये अगर मैं साइज अगर बढ़ाऊंगा पॉसिबली जो लोग छोटा स्क्रीन यूज कर रहे हैं आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ पे हांगकॉन्ग और चाइना काफी वीक है सो ग्लोबल मार्केट के लिए स्पेशली कॉमोडिटी मार्केट के लिए चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल और सारे कॉमोडिटीज में फील किया जा रहा है सो so, हांगकॉन्ग और चाइना क्लोजली रिलेटेड है और दोनों जगह काफी बास्टिंग चल रहा है स्टॉक्स में तो चलिए इसके साथ खत्म करते हैं मेरा ये वीडियो आई आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा रेगुलरली ये वीडियो आई ट्राई टू पब्लिश सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं सो यू कैन ऑल बेटर रिलेट विद दिस सेटअप एज 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 वेल वेल विद विद मी द मार्केट्स सो थैंक यू सो मच इट्स फर्स्ट ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी छह बज के बारह मिनट तो चलिए थैंक यू गुड नाइट ये रहा मेरा एनालिसिस ऑन द ग्लोबल इंडिसेस एज वेल एज इंडियन इंडिसेस थैंक यू सो मच फॉर सींग दिस वीडियो